जय आरसीएम साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, नया पासवर्ड कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप अपने आरसीएम आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आप आरसीएम आईडी का नया पासवर्ड कैसे बनाएं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी आरसीएम से रिलेटेड न्यू न्यू अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने आरसीएम आईडी का नया पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, आप लोग ये साइड हमारा स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना नया पासवर्ड बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अपना आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप को ओपन करने के बाद में आप लोगों को अपने थ्री लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा यूजर आईडी और पासवर्ड, वहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है। उसके नीचे आपको दिखेगा फॉरगॉट पासवर्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा यूजर आईडी, आपको यहाँ पर वो वाला आईडी डालना है जिसका आप लोगों को नया पासवर्ड बनाना है, वही वाला आईडी यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी डालने के बाद में आप लोगों को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी आप लोगों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम में आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस नंबर पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको सेम ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर नया पासवर्ड बना के नीचे आपको दिखेगा अपडेट का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके आप अपने आरसीएम आईडी का नया पासवर्ड 1 मिनट में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपने आरसीएम आईडी का नया पासवर्ड बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी आरसीएम से रिलेटेड न्यू न्यू अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय आरसीएम।